नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चने पर। चने पर बात करेंगे छिंदवाड़ा के सबसे बड़े व्यापारी और अध्यक्ष भी हैं प्रतीक शुक्ला जी से। प्रतीक जी से जानेंगे क्या भाव चल रहा है चने का और आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी। प्रतीक जी बताइए कि चने का अभी क्या रेट चल रहा है। चना अपने यहाँ छिंदवाड़ा में 5400 से लेकर 5800-5900 रुपये तक बिक रहा है। इस साल राजस्थान गुजरात में चने की पैदावार कम होने के कारण, उत्पादन कम होने के कारण चने के बाज़ार अच्छे चल रहे हैं। और फिलहाल गवर्नमेंट द्वारा भी जो पहले स्टॉक लिमिट लगाई गई थी वो हटा दी गई है, तो कुछ स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हैं। दालों के रेट भी अच्छे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी ये ऐसा माहौल है कि बाहर का चना आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए चने के दाम इस साल अच्छे रहने की उम्मीद है। अभी निम्न स्तर पर मतलब कितना चल रहा है और हाई कितना है? निम्न जो हल्के माल हैं वो 5200-5300 रुपये बिक रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी माल छिंदवाड़ा में 5800-5900 रुपये तक बिक जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? आने वाले समय में मेरी खुद की धारणा है कि चना एक बार 7000 के ऊपर बिकना चाहिए। तो क्या कहते हैं, चना का यदि रेट बढ़ेगा तो जिन किसानों ने चना रोक के रखे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा? वैश्विक स्तर में चल रही समस्याओं और जो अभी चल रहा है काल, कई जगह युद्ध चल रहे हैं विश्व में और देश में भी, चुनावी माहौल है, राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र में भी फसलें कम हैं, तो टोटल सब सिनेरियो देखते हुए ऐसा लगता है कि चने के भाव बढ़ना चाहिए। तो आने वाले समय में किसानों को इसका बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। मैं मार्केट टाइम टीवी से मुकेश सोनी छिंदवाड़ा।